अपडेट तो वही है, 2016 होना है। मतलब ये अनुमति मिल गई है सर गवर्नमेंट से? अनुमति तो विभाग से ही आ गई थी, और कलेक्टर साहब के, चूंकि इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं मेले के, तो हाँ यहाँ से वो हो गई हमारी। उसमें जो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं ना मेले के, जहाँ भीड़ वगैरह इकट्ठी हाँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ। प्रोग्राम सारे हमने रद्द कर दिए हैं। और वो जो ये लगते हैं दुकानें लगती हैं दुकानें मतलब तो वो 5-7 दुकानें आती है आजकल, वो दुकानों वाला कुछ नहीं हुआ अभी, है ना। दुकान रहे, फॉर्मेलिटीज कहाँ, मेला रह कहाँ गया। वो सिर्फ पशुओं की खरीद फरोख्त वाला वही है मोटा मोटी काम। अच्छा, एक तो पशुओं के स्टॉल्स लगेंगे और पशुओं की प्रतियोगिता होंगी। हाँ, स्टॉल्स तो क्या है, स्टॉल्स तो कुछ नहीं है, पहले डिपार्टमेंट के स्टॉल लगते थे, वो नहीं लगेंगे। नहीं, ये जो बेचने के, पशु बेचने के। हाँ हाँ, वो तो पशुपालक तो आएंगे ही। हाँ हाँ और पशु प्रतियोगिता है। प्रतियोगिताओं का भी रखा अच्छा है ना, प्रतियोगिता का रखा है, क्योंकि मेले का मुख्य चार में होता है, उसे लोगों को हाँ पुरस्कार जी भी बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मोटिवेट भी बिल्कुल होते हैं उससे, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। नस्ल के पाड़े तो उस हिसाब से वो मोटिवेट करने के लिए वो तो अच्छा, जरूरी है। मतलब भैंसा ऊंट और घोड़ा तीनों की होंगी, और बैल, बैल, हाँ बैल, भैंसा, ऊंट ऊंट भी, घोड़ा। ऊंट भी आते हैं मेले में, घोड़े भी आते हैं। हाँ। हाँ, ये इसकी प्रतियोगिता क्या है, इसमें बस वो तीन तीन, दो दो, चार चार, पांच पांच आते हैं, तो वो उस हिसाब से वही है, और जगह वही रहेगी सर, मेला मैदान। वही पशु मेला मैदान अपना जो है, ओके, तो और इसका झंडा रोहण सर 2-2 तारीख को, दो तारीख को, 2 फरवरी और से। रवन्ना सर। अच्छा बस रवाना इस बार हमने फटाफट ही रखे हैं, ज्यादा रोकेंगे नहीं उनको, अच्छा 4 से शुरू कर देंगे। चार से शुरू कर देंगे। हाँ, क्यों, 2-3 तक तो पशु आएंगे, 4 से खरीद फरोख, तो जो खरीदे रोकना नहीं है, आए खरीदे जाओ, खरीदे जाओ, ये रखा है सर। ओके महेश जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नागौर मेले की आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि आप अपने बेचने वाले घोड़े या फिर स्टड फार्म वाले स्टेलियंस की आप फोटो या वीडियो भेज सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं इन बिक्री योग्य घोड़ों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, जिससे कि घोड़ा बाजार जो कोरोना में अभी बहुत ही प्रभावित हुआ है वो भी चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस घोड़ा बिजनेस को ऑनलाइन चलाते रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे। तो आनंद लीजिए ऑनलाइन घोड़ा बाजार का। मित्र जय माता जी। मित्रों, मैं YouTube बहुत देखता हूँ और YouTube में गुप्ता साहब का वीडियो मैं बहुत देखता हूँ। मित्रों, वो संजय साहब है ना, उसने कोरोना की वजह से ऑनलाइन घोड़ा बाजार की सीरीज चालू की है। मित्रों, मैंने एक वीडियो डाला था फ्री स्टाइल में, मेरी घोड़ी बिक गई। मित्रों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुप्ता साहब का। जय माता जी गुप्ता साहब, आपने वो बहुत अच्छी सीरीज चालू की है और आपकी सीरीज चालू रहे, ऐसी मेरी दुआ है। मित्रों, यूट्यूबर मैंने बहुत देखे, संजय साहब जैसा कोई नहीं। मित्रों, उसने ऐसी ठान ली कि कोई किसान की मदद हो जाए। मित्रों, भगवान उसकी मदद करे, जो ऐसा ठानते हैं ना उसकी भगवान मदद करे। धन्यवाद संजय साहब, जय माता।